दो दिन पहले GTA 6 का ट्रेलर रिलीज हो गया। Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. इस गेम को बनाने के लिए रॉकस्टार गेमिंग ने लगभग 30 सनराइज मिशन जीतना, तो जो कि होता है लगभग 2 बिलियन यानी कि इंडियन करेंसी में 16,000 करोड़ रुपए लगा दिया, और ये एवेंजर द एंड गेम मूवी की बजट की लगभग 5 गुना है। और भाई साहब, क्या ही रियलिस्टिक गेम बनाई इस बार रॉकस्टार गेमिंग ने। शायद आप लोग इसमें किसी का गान भी मर मतलब गाना भी मर मतलब गा सक गाना भी गा सकते हो शायद। तो जो भी हो, आप लोग इस गेम का कैरेक्टर देखो या फिर स्काई देखो, मतलब गाड़ियाँ वगैरह देखो, उनका टेक्सचर देखो, क्या ये रियल लग रहे हैं इसमें। और हो भी क्यों ना, रॉकस्टार गेमिंग ने लगभग 10 साल से इस गेम के ऊपर काम कर रहा है। इस गेम के जो लोकेशन है ना, वो सब रियल वर्ल्ड में शूट किया गया है, मतलब US के कुछ जगह पर इस गेम को शूट किया गया है। और जिन लोगों को GTA 5 के बारे में नहीं पता, मैं उन लोगों को बता देता हूँ, GTA 5 वर्ल्ड के सेकेंड हाइस्ट मोस्ट सेलिंग गेम थे, और इस गेम का मेकिंग कॉस्ट लगभग 200 मिलियन के आसपास था, और इस गेम ने लगभग $8.5 बिलियन अर्न किया था। और ये जो GTA 6 है ना, ये 2025 तक रिलीज होने वाला है, और ये गेम कितना अर्न कर सकते हैं आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इसका जो ट्रेलर है ना, उसने ही पूरे YouTube को हिला था, और ट्रेलर ने YouTube के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब जितने भी सारे आज तक रिकॉर्ड थे ना, सब लगभग सब कुछ ही तोड़ दिया। और रॉकस्टार गेमिंग का कहना है कि ये एक साल के अंदर ही मतलब 8 बिलियन के ऊपर अर्न कर लगाई है। अरे भोसरी के, तो जो इतना GTA के बारे में बोल रहा है, क्या तेरे पास गेमिंग पीसी है? नहीं हुआ तो क्या, मैं इस मोबाइल पे खेल लूँगा क्या? तू इतना बड़ा गेम फ़ोन में खेलेगा? अबे साले, कुछ तो शर्म करो, वो तो फ़ोन भी नहीं है, वो तो बस फ़ोन का कवर है, फ़ोन से तो तू रूफी देवर बना रहा है। इसकी बहन की बात।